नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईडी एकेडमी और मैं आशीष। आज हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स 9 और 10 जुलाई के। सो गाइस, वीडियो के एंड में आप ये बिल्कुल आप बताएं हमें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आने पे इसे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें ये इन्फॉर्मेशन जो है हम पहुँच सके। आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, उनका नाम है राजनाथ सिंह जी। उन्होंने जो है वर्चुअली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ई इनॉग्रेशन किया है हमारा 43 करोड़ रुपए के 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस का, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। जैसे कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो हमारा कैसा पहाड़ी क्षेत्र है, और जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्र जो है हमारे पास, एक जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है और एक हमारा कौन सा है, चाइना के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान के कंट्रोल में जो उसको हम बोलते क्या LOC कहते हैं, और चाइना के कंट्रोल में जो उसको क्या बोलते हम अक्साई चीन कहते हैं, और दोनों के बीच जो सीमा रेखा उसको LSE कहते हैं। तो ध्यान देना ये जो है ये ब्रिजेस जो है LOC पर बने हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान देना, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर जो हमारा NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रोड का जो निर्माण करती है वो नहीं करेगी, यहाँ पे जो करेगी वो हमारे पास है ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, सीमा सड़क संगठन जो है ये इसका निर्माण करती है। टोटल जो कुल लागत है इसकी 43 करोड़ रुपए है, ठीक है। सो जो हमारे पास 6 जो नए ब्रिजेस बने हैं वो आपका नाम है आपका तरनाहा 1 ब्रिज, तरनाहा 2 ब्रिज, पलवान ब्रिज, घोड़ा वाला ब्रिज, पहाड़ी वाला ब्रिज और पनियाली ब्रिज। इसमें से सबसे जो लंबा ब्रिज है, लंबा जो ब्रिज है उसको तारनाहा 2 ब्रिज है, और दूसरा सेकंड लॉन्गेस्ट जो हमारे पास है तारनाहा 1 ब्रिज। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है ये क्षेत्र जो है हमारा किसको, पाकिस्तान को जोड़ते हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री मूवमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी जा सके, इसलिए जो है ये ब्रिजेस का निर्माण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो 6 ब्रिज है हमारे जो नेशनल हाईवे जो होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो होता है 44 जो है इसको जोड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पछाड़ पठानकोट पंजाब से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर तक, जिससे कि क्या हो लगभग 217 जो विलेजेस है जो जम्मू एंड कश्मीर के वो क्या हो इससे इससे इनको लाभ मिले, और साथ ही साथ क्या मिले, इस लाभ के द्वारा जो है हमारी अर्थव्यवस्था को भी क्या मिले, एक सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है जैसे कि हमने ब्रो के बारे में डिस्कस किया, तो ये जो 2019-20 में जो इनका एनुअल बजट रखा गया था सड़क निर्माण के लिए वो 8,050 करोड़ था, लेकिन अब जो इसको बढ़ाकर कर दिया गया 2020-21 में कितना, 11,800 करोड़ कर दिया गया है, ठीक। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च नहीं किया है, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग भी आए थे इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू श्री जुगल किशोर शर्मा थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नारवाने, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, और इनके साथ जो बहुत सारे सीनियर्स थे आर्मी के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे, जिन्होंने क्या किया इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वहाँ तक जो है हमारी सड़क नहीं जाती है, तो हमें जो है मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी क्या होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी उठानी पड़ती है वहाँ तक हमारे सैनिकों को भेजने के लिए, इसीलिए जो इसका निर्माण किया गया है। अगर मैं आज की प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान कंडीशन को ध्यान में रखूँ, तो चाइना के साथ जो हालात है उसी को देखते हुए जो है ये हमारा जो सुरक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या किया है, इन सड़कों का निर्माण किया है, ताकि क्या करें हम जो है LOC और LSE दोनों तरफ से क्या करें सुरक्षित रहे, ठीक। तो अगर मैं पूरे देश में बात करूँ तो रोडों का जो निर्माण है, करोड़ों का जो कंस्ट्रक्शन है वो NHAI करती है, लेकिन पहाड़ी सड़कों का जो निर्माण है वो ब्रो करती है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, उसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, न्यू दिल्ली में, से याद रखेंगे आप। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा गवर्नमेंट ने, ओडिशा के जो CM है नवीन पटनायक जी ने, उन्होंने लॉन्च किया है ब्लू आइस। ये जो आपका एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है इन्होंने जो यूज़ करेगी स्पेस टेक्नोलॉजी का, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टू मॉनिटर द गवर्नमेंट लैंड्स। जैसे कि हम जानते हैं जो भू माफिया होते हैं वो क्या करते हैं, एनक्रोच कर लेते हैं गवर्नमेंट लैंड्स को, भू माफिया जो है क्या कहते हैं अधिग्रहण कर लेते हैं भूमि का, तो उसको जो है हमने उसको बचाने के लिए क्या है, ये आपका ओडिशा गवर्नमेंट की एक पहल है। तो ओडिशा गवर्नमेंट जो है देश में एक ऐसा राज्य बन गया जिसने पहली बार जो सैटेलाइट इमेजरी का यूज़ किया है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है टू मॉनिटर द गवर्नमेंट लैंड्स। सो हमारे जो नवीन पटनायक जी है चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर जो है गणेशी लाल है, और कैपिटल जो है इसकी भुवनेश्वर है। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे प्रसिद्ध उड़ीसा में जो है क्या चीज़ है, चिल्का झील भी है, और ये एक लगून लेक है, कायल झील है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भीतरगढ़ का नेशनल पार्क है। तीसरी चीज़ जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ये भी आपका भुवनेश्वर में मिलेगा, पूरी के नाम से जो प्रचलित है वो है, ठीक है। चले यहाँ जो इम्पोर्टेंट इसका फुल फॉर्म है भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ब्लू आईएस भी कहते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के लिए है। जैसे ही जानते हैं हम जो है यहाँ पे जो पुरी का टेंपल है वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, और पुरी के जो टेंपल का जो लड्डू है उसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा आईआईटी हैदराबाद ने जो है NVIDIA कंपनी के साथ मिलकर जो है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसको इस्टेब्लिश किया है कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो है बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कमर्शियल पर्पज़ या व्यावसायिक पर्पज़ के लिए या घरेलू पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो सेंटर बनाया गया है वो हमारा कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और ये जो अबाउट NVIDIA जो कंपनी है इसके बारे में अगर बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर जो है क्या है, एक कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। उसके को फाउंडर और प्रेसिडेंट और CEO जो है जेनसेन हुआंग है, और डायरेक्टर जो है हैदराबाद के IIT के वो है BS मूर्ति। अगला जो क्वेश्चन है हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था PV नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम था पामुलापार्थी वेंकट नरसिम्हा राव, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी से बिलोंग करते थे। दूसरी चीज़ इनका 28 जून 1921 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 23 दिसंबर 2004 में हुई थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या केंद्र की जो सरकार है उन्होंने जो इनके याद में, क्योंकि अभी जो है ये 100 साल होने वाले हैं इनके बर्थ को, तो इनकी याद में जो है एक स्टैम्प जो है वो रिलीज़ करने की घोषणा की है। और साथ ही साथ तेलंगाना की जो राज्य सरकार है उन्होंने जो है लेजिस्लेचर में एक रेजोल्यूशन पास करने की बात कही है जिसमें जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ऐसी बात की गई है। और जैसे कि हम जानते हैं PV नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में ही जो है 1991 में आपका जो है मनमोहन सिंह के साथ PV नरसिम्हा राव जी ने एक मॉडल लेके आए थे जिसका नाम था LPG। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इस मॉडल को जब वे लेके आए थे हमारे अर्थव्यवस्था में, तो वहाँ पे जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है ग्लोबल इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी के जैसे काम करना स्टार्ट हुआ था। और यहीं से जो है हमारा जो है दूसरी विदेशी कंपनियाँ भारत में आकर के करना चाहिए बिज़नेस स्टार्ट की थी उन्होंने। सो हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो हमारा है EIU की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर CEO जो है रॉबिन बीफ है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारी 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ जो होती है उनमें जो है हम क्या चेक करते हैं, कैंसर के प्रति जो है प्रिपेयर्डनेस, मतलब कैंसर को हम ट्रीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसका जो पैरामीटर है इसको हम चेक करते हैं ये रिपोर्ट के द्वारा। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग थी 8वीं है, और इसमें जो 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ वो उसमें कौन कौन सी आती है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये जो 3 जो पिलर्स है जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जनरेट की जाती है वो हमारा क्या है, पॉलिसी एंड प्लानिंग, दूसरा हमारा केयर डिलीवरी, एंड तीसरा हमारा हेल्थ सिस्टम एंड गवर्नेंस। तो इन तीनों में जो है हमारा भारत जो है वो क्या हुआ है, पिछड़ गया है, जिसकी वजह से जो है हमारी रैंकिंग जो है हमारी क्या हुई, 8th पोजीशन पे है। और स्कोर जो है आउट ऑफ 100 कितना है, 51.6। ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है 92.4 के साथ, दूसरा साउथ कोरिया है, तीसरा जो है मलेशिया है। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगली न्यूज़ हमारे पास जो है ये हमारे वितरण एक्टर बॉलीवुड के जो थे, हमारे एक्टर भी थे कॉमेडियन भी थे, जगदीप जो थे, इनके निधन से आ रही है। ये बहुत ज़्यादा दुखद खबर है हमारे लिए। इनका असली जो नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था, और इनका जो जन्म था 29 मार्च 1939 में दतिया मध्य प्रदेश में हुआ था। क्योंकि ये अपने फिल्मों के लिए जान जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, कॉमेडियन थे। तो इनकी सबसे जो प्रसिद्ध मूवी थी शोले थी, जिसमें जो था इन्होंने जो सुरमा भोपाली के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। और इनकी जो बहुत सारी जो मूवीज़ हुई थी और आती है, पुराना मंदिर थी, अंदाज़ अपना अपना था जिसमें सलमान खान के पिता की भूमिका निभाई थी। दूसरी चीज़ अगर मैं 2017 में इनकी लेटेस्ट फिल्म की बात करूँ, लास्ट फिल्म की बात करूँ, तो ये थी मस्ती एंड सस्ती, और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी द्वारा 2019 में। और क्योंकि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, गवर्नर लालजी टंडन है। लेकिन 28 जून 2020 को जो आनंदीबेन पटेल जो है इनको क्या दिया गया, एडिशनल चार्ज दिया गया गवर्नर का। और जैसे कि हम जानते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी है। जो नेक्स्ट हमारा है, आज जो हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जुलाई के नेशनल फिश फार्मर्स डे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आज से 2001 में जो है साल में डिक्लेयर किया था 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में। ये जो इनिशिएटिव है किसने लिया था इस डे को सेलिब्रेट करने का, जो पहली बार लिया था मुंबई के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ ने लिया है। दूसरी चीज़ ध्यान,
एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबो फिश, इसने दिसंबर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें जो था भारत जो था सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर था दुनिया में। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भारत जो था तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश या प्रोड्यूसर था किसका, फिश का दुनिया में। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो है उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में ब्रीडिंग की गई थी फिश की। ठीक है, तो उस ब्रीडिंग में जो थे दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, डॉक्टर हीरालाल थे और डॉक्टर के एच अलकोही। तो इन दोनों ने जो किया था, क्या कहते हैं, एक ब्रीडिंग के द्वारा जो थी एक अलग प्रजाति डेवलप की थी फिश की, कतला रोहू और मृगल स्पीसीज की। इसीलिए जो है इसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में क्या करते हैं हम मनाते हैं। और क्योंकि जानते हैं ब्रीडिंग से जो होती है क्या कहते हैं दो या दो से अधिक जो है फिश की जो स्पीसीज उसको मिला करके क्या कहते हैं नई जो प्रजाति होती है फिश की उसको हम क्या कहते हैं डेवलप करते हैं, इसलिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है चाइना से। तो ध्यान दीजिएगा चाइना ने जो है पहला फर्स्ट लॉन्च ऑफ चाइनास कू अजव 11 KZ-11 रॉकेट जो है वो फेल हो चुका है। ये जो है थर्ड रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा जो कि फेलियर हुआ है। ठीक है, ध्यान देना ये जो कू एजाव जो 11 है, कू एजाव का मीनिंग जो होता है मैंडरिन में इसको हम बोलते हैं फास्ट शिप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको जो है हम प्लेस करने वाले थे लो अर्थ ऑर्बिट में और साथ ही साथ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करने वाले थे। इसको जो है ये जो हमारा 19th रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा 2020 में, और ये 2020 का तीसरा रॉकेट है चाइना का जो कि क्या हुआ फेलियर हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है KZ-11 जो है 19th रॉकेट था लॉन्च बाय चाइना इन द ईयर 2020। इट वॉज ऑल्सो द थर्ड रॉकेट लॉन्च ऑफ चाइना इन 2020 दैट हैड बीन एंडेड इन फेलियर। ठीक, तो इसके पहले जो 2020 के जो लॉन्ग मार्च 7A और अप्रैल में जो था लॉन्ग मार्च 3B जो है ये जो था फेल हुआ था, अब जो है ये KZ-11 फेलियर हुआ है। तो याद रखेंगे इसका नाम। और जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ई इनॉग्रेशन किया है एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर पावर प्लांट जो कि रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 750 मेगावाट है और इसको बनाने का जो कार्य जो है किया गया है टोटल 4000 करोड़ रुपए में और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है एक एडवाइज़र के जैसे काम किया है यहाँ पे। दूसरी चीज़, 31 जनवरी 2018 को विश्व बैंक समूह ने $30 मिलियन का जो है इसको सहायता की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, दूसरे जगह को विकास करने के लिए इसको दिया गया लोन। ठीक, दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है इसका जो है 24% जो सोलर पावर प्लांट से जो विद्युत जनरेट होगा, विद्युत सब जनरेशन होगी, उसको हम सप्लाई करेंगे कहाँ, दिल्ली मेट्रो में। तीसरी चीज़ ये जो है हमारी जॉइंट वेंचर कंपनी दो चीज़ों से बनी है हमारी, एक है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECL कहते हैं, दूसरी चीज़ ध्यान देना मध्य प्रदेश की ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया है और दोनों को मिला जुला रूप जो नया नाम बना है इसको हम बोलते हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। सो ये जो हमारा है एशिया का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे सिंगल साइट एक ही जगह पे जो है ये सबसे बड़ा प्लांट है एशिया का, भारत का भी सौर ऊर्जा से चलने वाला। सो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो है दुनिया में यूनाइटेड अरब अमीरात जो है आपका पहला अरब नेशन बना है जिसने क्या क्या भेजा है, प्रोब भेजा है मंगल पे या मार्स पे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा तो ये जो प्रोब भेजा है वो क्या करेगा, मार्स के एटमॉस्फेयर को चेक करेगा, वहाँ पे कैसा आपका एटमॉस्फेयर है, वेदर है, उसको चेक करेगा। दूसरी चीज़ था ना, मंगल ग्रह को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट भी कहते हैं और मार्स पे भेजने वाला जो मिशन है ऐसे करने वाले बहुत गिने चुने देश हैं जिनमें जो है भारत है, US है और USSR है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जिसे सक्सेसफुल क्या किया है लाल ग्रह पे जो है प्रोब भेजे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना ये जो है चाइना भी अपना जो प्रिपेयर कर रहा है क्या एक मार्स मिशन जो है रोवर भेजने वाला है अगले मंथ या आने वाले कुछ दिनों में ही। भारत ने अपना जो मंगलयान है 24 सितंबर 2014 का भेजा था, ऐसा करने वाला पहला देश है जिसने क्या कहता मंगलयान के थ्रू जो है मार्स के मार्शियन ऑर्बिट में पहली बार में ही जो है अपने क्या कहते हैं प्रोब को उस ऑर्बिट में भेज दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और आप देख रहे थे EDU Academy का चैनल और मैं आशीष आपसे अलविदा लेता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जैसे भी सजेशंस हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट में आप आपको बताएं ताकि हम जो है वीडियो की क्वालिटी, जो वीडियो का मैटर जो उसको या फिर जो भी दिक्कत आपको आती है उसको क्या कर सके, अगले वीडियोस में क्या कर सके, रिमूव कर सके और सुधार सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।